अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शाहान आर्ट्स। सो मैं हूँ शाहान और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से एक रियलिस्टिक आई ड्रा करना है, वो भी सिर्फ एक जेल पेन से और एक बॉल पेन से। सो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कौन कौन से टूल्स यूज करने हैं और लास्ट में मैं आपको एक मैसेज दूंगा कि आप अपना आर्ट कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो शुरू। सो दोस्तों आज इस वीडियो में हम ये तीन टूल्स इस्तेमाल करेंगे। सो ये मेरे पास है पेपर स्ट्रेटमोर टोन ग्रे, ये ग्रे पेपर होता है और इसमें बहुत से अच्छा 3D ड्राइंग हम बना सकते हैं। और ये मेरे पास है ब्लू बॉल पॉइंट जिसको यूज़ करके मैं ये पूरा पोर्ट्रेट्स बनाऊंगा। और ये मेरे पास है जेल पेन 10 सकूरा ब्रांड का। सो ये मैं हाईलाइट के लिए इस्तेमाल करता हूँ अपने ड्राइंग में। सो ये तीन टूल्स है, हम आज का ये ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आउटलाइंस खींचूँगा। ये जो मैं पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ तो वह मेरे पास बी पेंसिल है फेबर कैस्टल का। सो मैं फेबर कैस्टल का बी पेंसिल यूज़ करके आउटलाइंस खींचूँगा। याद रहे कि आप जब भी आउटलाइंस खींचते हैं तो आपको सबसे पहले हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन खींचना पड़ेगा। मैं जितना भी ड्राइंग करता हूँ, चाहे पोर्ट्रेट का हो, फेस का हो, आई का हो, लिप्स का हो, तो उसमें सबसे पहले मैं फोटोग्राफ को इस तरह ऑब्जर्व करके लेफ्ट साइड पर रख के फिर मैं आउटलाइंस ड्रा करता हूँ। और आउटलाइंस के लिए मैं भी पेंसिल का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ कि ये जल्दी से मिट जाता है और आसानी से ये जो आपका पोर्ट्रेट है उस पर दिख जा सकता है। मैं जिस पेपर का यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास ग्रे पेपर है, तो ग्रे पेपर पर जब ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करेंगे आप तो और भी अच्छा दिखाई देता है। और यहाँ पर मैं फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करता हूँ और उसके मुताबिक पर मैं आदत सो लाइन पर खींचता हूँ। सो आउटलाइंस डालने के बाद जब मैंने आउटलाइंस लगाए इस पर, सो मेरे पास अब है एक ब्लू बॉल पॉइंट। सो ब्लू बॉल पॉइंट से इसका जो प्यूपिल है और इसके अलावा और भी जितने आउटलाइंस हमने खींचे थे उसको मैं फिर थोड़ा और डार्क करूँगा। आउटलाइंस बेसिकली एक मैप सा होता है जिसको फोटोग्राफ को देख के आपको वो डालना पड़ेगा एक पोर्ट्रेट पर, एक फोटो पर। तो अब मेरे पास है चारकोल पेंसिल, वाइट चारकोल जो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर, ताकि हमारे जितने भी हाईलाइट है और लाइट है उसको हम ड्रा करें। सो ज़्यादातर तो मैं जितने भी हाईलाइट के लिए जेल पेन का इस्तेमाल करता हूँ या इलेक्ट्रिक इरेजर का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन यहाँ पर चूँकि मैं आउटलाइंस खींच रहा हूँ लाइट का कि यहाँ पर लाइट आएगा और यहाँ पर हाईलाइट, तो इसके लिए ये जो वाइट चारकोल पेंसिल है तो ये बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद अब हम आईलिड ड्रा करेंगे। सो आईलिड में हम प्यूपिल को सबसे पहले शेड करेंगे ब्लू बॉल पॉइंट से। आप मेरे जितने भी पोर्ट्रेट्स देखते हैं, मेरे जितने भी ड्राइंग देखते हैं, तो मैं इसमें प्यूपिल से स्टार्ट लेता हूँ और प्यूपिल को डार्क करके फिर मैं आई को पूरा डार्क करता हूँ। आई के बाद फिर मैं नोज को, लिप्स को, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मेरा पूरा पोर्ट्रेट्स बन जाता है। सो मैं फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करता हूँ। मैंने लेफ्ट साइड पे फोटोग्राफ रखा है जिसको मैं देखकर आदत मुताबिक फिर दायरे खींचवाता हूँ, प्यूपिल ड्रा करता हूँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस खींचता हूँ कि इसके आईब्रोज है वो किस तरह आएंगे, आईलिट है वो किस तरह आएगा। सो उसको फिर देखकर मैं जो पोर्ट्रेट है मैं फिर बनाता हूँ। और पोर्ट्रेट में मैं जब स्टार्ट लेता हूँ तो मैं प्यूपिल से लेता हूँ। तो आप भी कोशिश करें कि आप प्यूपिल से स्टार्ट लें, इसके ज़रिए से ही आपका जो ड्राइंग है वो रियलिस्टिक दिखाई देगा और वो रियलिज्म की तरफ जाएगा। Thank you.
अब हम आते हैं हाईलाइट की तरफ। सो हाईलाइट के लिए मैं जेली रोल इस्तेमाल करूँगा, 10 है, ये जाफ़ान का बना हुआ है। और मेरे जितने भी ड्राइंग्स होते हैं, स्पेशली मैं जब ग्रे पेपर पर ड्रा करता हूँ, सो मैं इस जेल पेन का इस्तेमाल करता हूँ। मैंने जो पिछला ड्राइंग किया था वाटर ड्रॉपलेट का, सो उसमें भी मैंने इस जेल पेन का इस्तेमाल किया था। आप जब भी हाईलाइट ड्रा करते हैं तो जेल पेन का इस्तेमाल करें, भाई हम आपका ड्राइंग इससे बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। सो शुरू में तो इसको यूज़ करने में बहुत सी कबाहत होती थी, लेकिन अब मेरी आदत पड़ गई है इस जेल पेन को यूज़ करने के लिए। सो मैं अब इस जेल पेन का इस्तेमाल अपने आर्टवर्क में ज़्यादातर करता हूँ। सो ये हाईलाइट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वाइट चारकोल का, और फिर हाईलाइट के लिए जेल पेन का इस्तेमाल करेंगे। अब जब भी किसी पोर्ट्रेट को देखते हैं इंस्टाग्राम पर, तो उसके आइज़ में हाईलाइट आती है। ये बेसिकली रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। सो आप जब पोर्ट्रेट को इसमें बनाते हैं, स्पेशली ग्रे पेपर पर, तो आप इसमें जेल पेन का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, अदरवाइज आपका ड्राइंग पर इस तरह रियलिस्टिक दिखाई न देगा। अब आते हैं हम आईब्रोज़ की तरफ कि आपको आईब्रोज़ किस तरह से ड्रा करना है। सो फोटोग्राफ को ऑब्ज़र्व करके मुझे जहन में आइडिया आता है कि ये आईब्रोज़ कितना बड़ा है। सो इसके मुताबिक फिर मैं आउटलाइंस खींचवाता हूँ, चारकोल पेंसिल है, लेकिन यहाँ पर हम पूरा पोर्ट्रेट चूँकि ड्रा करेंगे हम ब्लू बल पॉइंट से। सो मैं ब्लू बल पॉइंट्स के ज़रिए से फोटोग्राफ को ऑब्ज़र्व करता हूँ और फिर उसके मुताबिक मैं आईब्रोज़ ड्रा करता हूँ। सो जो ऊपर वाले आईब्रोज़ थे वो हमने डार्क किए। आप आईब्रोज जब ड्रा करते हैं तो पेंसिल है, बाल पॉइंट है, या कोई भी अदर मीडिया है जिसमें आप ड्रा करते हैं, तो आप स्ट्रोक्स लगाएंगे जिस डायरेक्शन में आईब्रोज जा रही है। फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करके जिस डायरेक्शन में भी आईलैशेस जा रही है, आपके आईब्रोज जा रही है, या एक्स्ट्रा और भी जो चीज़ें हैं, नोज है, एयर है, हेयर है, तो वो जिस डायरेक्शन में भी जा रही है, तो आप वैसा ही उस डायरेक्शन में उसको माइल करें, तो आपका जो ड्राइंग होगा तो बिल्कुल उसकी तरह आएगा। सो ये जो आईब्रोज होता है, तो आप देख सकते हैं कि ये लिफ्ट की तरफ माइल हुए हैं, जूल हुए हैं। सो मैं बाल पॉइंट का यूज़ करके इसको पहले मैंने लिफ्ट की तरफ ड्रा किया। अब मैं फोटोग्राफ को देखकर मोबाइल में ये जो स्किन रिंकल्स हैं हमारे आई में आए, सो मैंने वो ड्रा किया। अब जेल पेन का यूज़ किया मैंने हाईलाइट के लिए। अब बॉटम में जो आईलैशेस हैं वो मैं ड्रा करूँगा। मैं जब भी आईलैशेस ड्रा करता हूँ तो सबसे पहले मैं अपर आईलैशेस ड्रा करता हूँ, और फिर उसके बाद ये जो बॉटम के आईलैशेस हैं वो मैं ड्रा करता हूँ। सो फोटोग्राफ को देख करके ये किस तरफ जाइए, किस डायरेक्शन में, सो उसके मुताबिक फिर मैं पेंसिल का यूज़ करता हूँ। Thank you.
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की ट्यूटोरियल जो मैंने आपको दिखाई कि आपको रियलिस्टिक आई किस तरह से ड्रा करना है। सो इस तरह के मैं बहुत से ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पर अपलोड करता रहूँगा। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें ताकि उसकी इन्फॉर्म आप तक पहुँच जाए। सो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।